अभिनेत्री रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने हो रहे मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी रकुल प्रीत का नाम ड्रग्स केस में लिया जा रहा है और एनसीबी उनसे एक दिन पूछताछ भी कर चुकी है जिसमें तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ हुई, जिस पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उनके बारे में तरह तरीके की खबर सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं जिसमें उनके कुछ जो मूवी के सीन्स है उसको कहीं ना कहीं ब्लर कर करके दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको जो है ड्रगिस साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना था रकुल प्रीत का। और इसी बात को लेकर के उन्होंने जो है दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी और मांग की थी कि इन सब पर रोक लगाया जाए। उसी पर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो उसमें जो बड़ी बड़ी बातें सामने निकल के आई और जो इस पर डिसीजन हुआ वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसमें जो कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई जिसमें आप लोगों को जानकारी कराऊं कि कोर्ट ने जो मीडिया चैनल के रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर उनसे कई बड़े सवाल किए और कहा कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो आप लोग इसमें क्या करते हैं, जिस पर उनका कहना था कि हम लोग उनको अपने प्राइम टाइम शो में माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। वहीं कोर्ट के तरफ से दूसरा सवाल ये किया गया कि कई बार देखा गया है कि किसी भी एजेंसी जब जाँच कर रही होती है तो उनके अधिकारी कुछ बोले उनसे पहले ही आप लोगों के पास जानकारी आ जाती है, तो ये जानकारी आप लोगों को कहाँ से आती है और कौन देती है। वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे गए उनसे ये था कि आपने अपने जो चैनल है जो आपके सदस्य हैं उन सब के लिए क्या गाइडलाइंस बनाए हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं कि रकुल प्रीत के वकील ने वहां पर अपने दलील में कहा कि जिस तरीके से मीडिया इनको ड्रगी साबित करने में लगी हुई है ये बिल्कुल गलत है और जिस बिना पर एनसीबी उनसे पूछताछ की और कहा कि जो रिया चक्रवर्ती है उसने उनका नाम लिया था तो कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ये कह चुकी है कि मैंने इस तरीके के बयान नहीं दिए हैं। तो मीडिया में फिर इस तरीके के बयान चलाने की, इस तरीके की रिपोर्ट चलाने की जो है कोई अधिकार नहीं है और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, वो इनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जिस पर जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप लोग जो है किसी चैनल के खिलाफ जो है मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती, जिस पर रकुल प्रीत के वकील के द्वारा कहा गया कि ये कोई एक मीडिया नहीं कर रही है, ये तो सारे मीडिया ऐसे ही कर रही है। तब वहां पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा सारे मीडिया कर रहे हैं तो आप किसी एक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराइए, शिकायत कराइए और उस पर जो है जब फैसला होगी, उस पर जब कार्रवाई होगी तो वो कहीं ना कहीं सभी अन्य चैनल पर इम्पैक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसने इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरीके के मीडिया ट्रायल चल रहे हैं, जिस तरीके के मीडिया रिपोर्ट चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए उस तरीके के चलाए जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को पता होगा कि कई फिल्मी सीन्स को निकाल के उसको फॉग कर करके चलाया जा रहा है ताकि लगे कि वो वास्तव में ड्रग्स है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सख्त टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा और सभी मीडिया चैनल्स को सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की जो है आगे से ना करें और जो वहां पर मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा गया है कि आप इन सभी विषयों को छानबीन कीजिए और इसी पिटीशन को एज अ रिपोर्ट, एज अ जो है FIR के तहत बांध करके आप सभी की छानबीन कीजिए और अगर किसी भी चैनल के द्वारा इस तरीके की पाई गई है तो वहाँ पर आप लोग उन पर कार्रवाई कीजिए। वहीं यही बात जो है भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जारी करके कोर्ट ने कहा है। तो रकुल प्रीत को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उनको बड़ी जीत मिली है, जो कि मीडिया उनके खिलाफ जिस तरीके की रिपोर्ट चला रही थी अब कहीं ना कहीं उस पर विराम लगने के पूर्ण आसार है। तो देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, जैसे ही अपडेट आएगी हम आप लोगों को जरूर देंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्कार, धन्यवाद।